फाइनली गाइस अपनी गाड़ी हो गई है लोड अभी सांबा से इंदौर एमपी के लिए, उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे सौदा। तो यहाँ से अपनी गाड़ी में हो गया है लोड दवाई। आज लोड मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि आज ना ज्यादा माल नहीं निकल रहा है यहाँ से इंदौर के लिए। बहुत सारे ड्राइवर ढूंढते रहते हैं, कुछ ड्राइवर भाई तो फिर खाली ही जाते हैं आधे रास्ते तक। 18,102 रुपये में 216 लीटर आ गए 83.57 के हिसाब से। हम चल रहे थे आज रात को कंटिन्यू, तब जाके हम पहुँचे सांबा से अभी यहाँ पे ढाबा वाली। सुबह के बज गए अभी 8। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। करते हैं आप सभी को फिर से एक बार वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बड़ी ब्रह्मणा सांबा से, बिल्कुल अपनी गाड़ी यहीं पे लगी हुई है। फिलहाल अपनी गाड़ी वो रही और रवीज भाई की वो वाली दूसरे आके भाई की और इसके पास हुसैन भाई की ये वाली गाड़ी, मतलब चार गाड़ियां हम साथ साथ नहीं चल रहे हैं। और ये कहाँ पे है, ये जो बड़ी ब्रह्मणा स्टार्ट हो रहा है ना पुल, जो रेलवे पुल है पहले ही, बिल्कुल यहीं पर अपनी गाड़ी नीचे साइड में लगी हुई है। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज गए अभी 9:30। हम तो उठ चुके हैं बिल्कुल, अभी फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद दिखते हैं लोडिंग का क्या सीन रहता है। आज मंडे है ना, आज इंशाल्लाह लोड तो हो ही जाएगा क्योंकि कल संडे थी उसकी वजह से लोड नहीं हुआ, तो आज लोड हो ही जाएगा। आज देखेंगे लोड का क्या हाल रहता है। फिलहाल यहीं पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे अच्छे से सिग्नल नहीं आ रहा है ना, तो मैं आ गया था यहाँ पे, थोड़ी सी हाइट है यहाँ पे 5G सिग्नल आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो अब जाऊँगा मैं फिर से वापस अपनी गाड़ी पे, वो थोड़ा सा सफाई मारेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, गारदा चढ़ जाता है, तो सुबह साथ ही रखना है गाड़ी को। भाई ने सुबह सुबह ही आगे से गाड़ी को टाइकी मार दिया, मैं सोच रहा था मैं मारूँगा, भाई ने पहले ही मार के रखी है। तो अभी आप देख ही रहे हो गाड़ी का लुक, और यहाँ साइड से जो काला हमने काम किया है ना, ये रबड़ वाला, इसका सीन आप देखो कितनी अच्छी लग रही है अब गाड़ी। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल देना, मतलब ये काम ये कर रहे थे कल रात को, लगभग 9:30 तक यही काम कर रहे थे। और अब जो बचे हैं ये वाले, इनको भी चेंज करना है क्योंकि अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, या तो वैसे के वैसे ही सारा डालना है या तो ऐसे डालना था। अब इन्होंने कल ये वाले डाले, बिल्कुल अब यहीं पे ये भी चेंज करने हैं। तो इस साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा काम क्या किया है भाइयों ने। देखो यहाँ साइड से भी पीछे वाले ये है ना रबड़, और आगे वो छोटे वाले, इसको भी चेंज करना है बिल्कुल। इस गाड़ी में भी आज लगवाना है और उस गाड़ी में, बस थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो लगवाएंगे ज़रूर आगे से, क्योंकि यहाँ पे तो आज शायद ही टाइम मिलेगा, आज हमें लोड करना है और निकल जाना है जल्दी से जल्दी, फिर टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ईद भी आने वाली है, उसकी वजह से हमें जल्दी ही करना है। तो भाई अभी सोए हुए हैं, सोने दो इनको। जो हमारा मोबाइल टूट गया था ना कल, उसको डिस्प्ले डाला है अभी आप देख रहे हो, अब क्या ही कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले तो डाल दिया, अब पता नहीं चलेगा अच्छे से कि नहीं, और इसकी कंडीशन कुछ खराब, इसको ऑपरेशन अभी अभी कर दिया। अब देखिए कितने टाइम तक हो जाएगा, ये कितने टाइम तक इसको उठाना है रबड़, मैं 3 घंटे बाद, वो भी निकालना मत है पीछे से ब्लेड से काटना, खींचो ना मत। अच्छा ठीक है, खींचने से इस पर जोर पड़ेगा इसलिए इसे रबड़ से ब्लेड से काटियो। ठीक है भाई, घोड़ा देखो कैसे मोड़ता है वो भाई, ट्राली इधर जा रही है और आगे से उधर जा रहा है, ट्रैक्टर की तरह बराबर, ट्रैक्टर की तरह, ट्रैक्टर से ज़्यादा कट मुझे लग रहा है इसमें, क्योंकि इसको अभी एल शेप ही बन गया, हालांकि ये ट्रैक्टर में तो शायद ही बनता होगा एल शेप, पर इसमें बन गया। और यहाँ से लग गया जाम काफ़ी सारा, हम आ चुके हैं यहाँ पर लोड करने के लिए, अपनी गाड़ी लगा दी यहाँ पर, पहले इसको यहाँ से निकालते हैं फिर करते हैं बाहर। यहाँ पे लग गया जाम काफ़ी सारा, इसकी वजह से, घोड़े वाले की वजह से, क्योंकि इसने यहीं पे गाड़ी मोड़ी ना,
उसकी वजह से जाम लग गई। इस साइड की भी गाड़ी यहाँ भी जमा हो गई, इस साइड की भी और उस साइड की भी। तो गाइस हम आ गए थे अभी लोड करने के लिए बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्री एरिया साइड में, बस यहाँ पे करना है लोड इस फैक्ट्री में जो कि कोरोमंडल है, बस यहीं पे करना है इंदौर के लिए लोड, मतलब सांबा से इंदौर के लिए लोड मिल गया। बस ये रही अपनी गाड़ी, आप इसको बैक करेंगे उसके बाद ले जाएंगे सीधा इस फैक्ट्री में। इसी के साथ अभी बच गए दिन के 4 और अपनी लोडिंग हो जाएगी अभी स्टार्ट। फिलहाल देखेंगे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मास्क मैंने पहनी ना, यहाँ अंदर मास्क के बिना अलाउड ही नहीं है, इसलिए मास्क पहले लगा के रखिए, आप आराम से जाएंगे अंदर। चलो बाइक को साइड दिखाते हुए। सो गाइज अपनी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग के लिए और लोडिंग भी हो ही गई, बस खाली आप एक बता रह गया लोडिंग के लिए, वो हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा आगे करेंगे और डालेंगे यहीं पे रसद रुपाला करेंगे और उसके बाद ही हम फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे। मैं तो आपको व्यू दिखाता पर क्या है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है ना, उसकी वजह से मैं फोन को बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर फैक्ट्री का, मतलब वो गेट है और वहीं से हमें बाहर जाना है। यहाँ से हमने अंदर लाई गाड़ी और यहाँ पर अपना भाई और मैं बैठ गए इधर ही, देखते हैं थोड़ा सा टाइम और लगे, मतलब 10-15 मिनट और लगेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधा इंदौर के लिए। अभी सांबा में है, सांबा से इंदौर के लिए हमने दवाई तो लोड कर ली, बस कुछ देरी में हम यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी हो गई है लोड अभी सांबा से इंदौर MP के लिए, उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे सौदा। तो यहाँ से अपनी गाड़ी में हो गया है लोड दवाई और अभी हम यहाँ से निकल गए रसा त्रपाला करके। बिल्कुल अपनी गाड़ी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर आप कमेंट सेशन में बोल देना, और पीछे से देखो रसा कैसा हो गया वो साइड में से, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा आगे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं हम फैक्ट्री से बाहर, तो हम निकल गए, बस अभी हम आगे जो रमेश भाई वेट कर रहे हैं उसके पास जाएंगे, है ना भाई, तो बस उधर ही रुकेंगे तो उससे भी मिलेंगे, क्या कुछ उसने किया, उसने लोड किया कि नहीं वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। फिलहाल उसी के पास जाएंगे, मतलब जो बड़ी ब्रह्मणा साइड में फैक्ट्री है तो वहाँ पर हमने लोड कर लिया था। तो चलो अभी ट्रांसपोर्ट वाले के पास जाते हैं और वहाँ से ही पता चलेगा कि रमेश भाई ने क्या किया। तो यहाँ पर हमने रोकी गाड़ी साइड में क्योंकि अभी हम भाई से बात करेंगे उधर क्या हाल चाल है उसका। ये पहुँचे हम ट्रांसपोर्ट के पास फिर से एक बार वापस, मतलब वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है JK गोल्डन, तो वहीं से हमने लोड किया और यहाँ पर अभी आप देख ही रहे हो, मतलब हुसैन भाई यहाँ पर तैयारी के लिए इंतज़ाम कर रहा है। भाई का लोड सुबह हो जाएगा और अपनी जो दूसरी गाड़ी है ना रमेश भाई की, वो उस साइड में लगी हुई है, मतलब वहाँ पर भी पार्किंग एरिया वहाँ पर लगी हुई है, और हमारी गाड़ी भी वहीं पर लगी थी जब हम यहाँ पे थे, तो हुसैन भाई की यहाँ पे बिल्कुल इनका लोड सुबह हो जाएगा और फिर सुबह ही पता चलेगा इनको लोडिंग कहाँ की मिलेगी। और हमें तो इंदौर की मिल गई, मतलब अभी बड़ी ब्रह्मणा सांबा से हमने दवाई लोड की इंदौर के लिए, इंदौर से हम काम करेंगे, हम जाएंगे सीधा डायरेक्ट सावदा और वहाँ से हम फिर केले भरेंगे सीधा श्रीनगर। फिलहाल यहाँ से चलेंगे इंदौर के लिए। सो गाइस अभी हमने अपना सफ़र कंटिन्यू कर लिया, बिल्कुल अभी हम निकल चुके हैं अपनी लोडिंग पॉइंट से आगे के लिए। तो इसी के साथ अभी बच गए रात के 10:30 और हमने तो खाना वाना वहीं पे खा लिया था अपने रमेश भाई के साथ ही वहीं पे, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र में। बिल्कुल अपनी गाड़ी को यहाँ पे गगवाल हम पहुँच गए, गगवाल पम्प पे जो कि भारत पेट्रोलियम पम्प है, ये आपको शायद पता ही होगा। बिल्कुल अपनी गाड़ी को यहाँ पे पहले तेल की टंकी फुल करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे ना तेल सस्ता मिलता है। हम इसे पहले माधापुर में डालते थे या दमदाल में डालते थे, वहाँ पर अब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर सस्ता पड़ जाता है, तो अब हम यहीं पे करेंगे अपनी टंकी फुल। तो उसके बाद आगे देखेंगे आगे का क्या सफ़र रहेगा, क्या प्लान रहेगा रात का। तो फिलहाल यहाँ से तेल की टंकी फुल करके निकलते हैं, तो दिखाएंगे आपको यहाँ पे रेट क्या चल रही है आज, डीजल की रेट आज चल रही है 83.57। यहाँ से आप देख लो अपनी गाड़ी का व्यू, मतलब त्रिपालो हमने डाल दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो खाली हम निकल गए वहाँ से आगे सफ़र कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जो रमेश भाई है ना वो वहीं पर रह गए, उसको लोड नहीं मिला, हमें तो मिल गया था, हमने लोड कर लिया, अभी उसका वेट करेंगे आगे या क्या कुछ कर, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। भाई को जाना है दूसरी जगह लोडिंग के लिए, मतलब जालंधर, जालंधर से कहाँ का माल मिल गया,
चित्तौड़ का, फिर वहाँ से आप सिमट करो लोड सीधा इंदौर, इंदौर से आप सावधा आ जाओगे। आज लोड मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि आज ना ज़्यादा माल नहीं निकल रहा है यहाँ से इंदौर के लिए, तो इंदौर मतलब मेन पॉइंट है जहाँ के लिए माल निकलता है, तो वो नहीं निकलता आजकल, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बहुत सारे ड्राइवर ढूंढते रहते हैं, कुछ ड्राइवर भाई तो फिर खाली ही जाते हैं आधे रास्ते तक। शुक्र अल्लाह का कि हमें लोड मिल गया, अब हम डायरेक्टली जाएंगे इंदौर, उसके बाद वहीं से आगे बढ़ेंगे। सारी गाड़ियां ना यहीं पे डालते हैं तेल क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है बाकी जगहों से। यहाँ पे मतलब अगर एक लीटर में एक रुपया कम होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर बैठे अपने भाई, एक तो मुश्ताक भाई और दूसरा भाई, भाई के साथ ये गाड़ी है क्योंकि इसी को जाना है जालंधर लोड करने के लिए, फिर वहाँ से आएगा हमारे साथ इंदौर, है ना भाई, सावधा आएगा फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम आएंगे वापस में इकट्ठे। देखो जी अपनी गाड़ी में कितने की टंकी आ गई फुल, मतलब 18102 18102 रुपये में 216 लीटर आ गए 83.57 के हिसाब से। तो चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा गागवाल से आगे के लिए। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए मंडी डाबो वैली बस, यहाँ पे रुके अपनी गाड़ी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हम चल रहे थे आज रात को कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू चले तब जाके हम पहुंचे सांबा से अभी यहाँ पे डाबो वैली। सुबह के बज गए अभी 8 और अब यहाँ से हम करेंगे आगे सफ़र कंटिन्यू, हम कहीं पे भी रात को रोके नहीं, कंटिन्यू चले कंटिन्यू, तभी इतना सफ़र निकल गया। चला करते हैं काम, यहाँ पे रोक ली दुकान पे के बाद गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ा सा सामान लेना था इसलिए यहाँ पे रोकी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखते हुए, अगर यहाँ तक देखा ना वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, तो चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।